ऑयल और मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल ये लेना है। अच्छा, मैंने मस्टर्ड ऑयल के अंदर क्या क्या डाला हुआ है, मैंने इसके अंदर ऑलरेडी इसको मैंने नीम गरम किया, इसके अंदर मैंने कलौंजी डाली हुई है और लहसुन जो होता है उसको जला कर मैंने इसमें डाला हुआ है और वो आप निकाल लें। आपको अगर कलौंजी भी निकालनी है, वापस निकालनी, इसके अंदर रहने देनी है तो आप इसके अंदर रहने दे सकते हैं। मैंने इसको निकाल के साफ़ सुथरा करके फिर दोबारा डाल दिया इसके अंदर। तो ये वाले ऑयल हैं और इसके अंदर आप विटामिन ई का कैप्सूल भी डाल सकते हैं। और एक और चीज़ मैंने इसके अंदर जो ऐड किया हुआ वो है फ़िश ऑयल, थोड़ा सा, मतलब तकरीबन आप कुछ ड्रॉप्स इसके अंदर डाल लें फ़िश ऑयल के, ठीक है। तो इससे भी आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। अब आप इन सबको मिलाएंगे एंड देन, मतलब इसके अंदर तो आपने ये सारी चीज़ें डाल दी, ये तो अलग से बन चुका है। अब क्या करेंगे, आप ऑलिव ऑयल को लेंगे, इसके अलावा कोकोनट ऑयल को लेंगे एंड इन सबको आप एक बाउल के अंदर मिक्स करके अपने बालों में अच्छी तरह से मसाज करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, इसके अंदर मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ थोड़ा थोड़ा सब कुछ। सो मैंने इसके अंदर सारे ऑयल मिक्स कर दिए हैं, अब मैं अच्छी तरह से अपनी मसाज करूँगी, आप बालों में अच्छी तरह से लगा लेंगे। अच्छा, जब आप सारी चीज़ें अपने मस्टर्ड ऑयल में मिक्स करेंगे तो मस्टर्ड ऑयल का कलर थोड़ा सा और ज़्यादा येलोइश हो जाएगा और बहुत अलग सी इसके स्मेल भी बहुत अलग सी हो जाएगी। आप चाहें तो एक बॉटल के अंदर ये सारे ऑयल मिक्स करके भी रख सकते हैं। मैं इस तरह करती हूँ, मैंने मस्टर्ड का अलग बना के रख लिया है, बाकी ये दोनों ऑयल मैं यानी कोकोनट ऑयल और एंड ऑलिव ऑयल मैं मिक्स कर लेती हूँ बाद में जब मुझे लगाना होता है। इससे आपके बालों में बहुत अच्छी ग्रोथ आएगी, आप खुद देखिएगा 15 डेज में, आप खुद देखिएगा। अच्छा, मुझे सही से समझाने नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं, लेकिन मैं सीख जाऊंगी, लेकिन जो मैं करती हूँ मैं ज़रूर बताती हूँ। मेरे पास DMs आ रहे थे लड़कियों के कि आप बताएं कि आप समर में या फिर विंटर में आप किस तरह अपने बालों की केयर करती हैं। तो मैं विंटर में इस तरह करती हूँ और समर में अच्छा, जब भी आप अपने हेयर ऑयलिंग करें तो अपने टिप्स से करें मसाज इस तरह, इससे बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं सो जाऊँगी एंड सुबह में मैं इसको अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। अच्छा, मैंने अपने बाल बाल सब बांध लिए, ठीक है, और अब मैं सो जाऊँगी एंड सुबह में वॉश करूँगी तो मैं इसका रिज़ल्ट भी आपको दिखाऊँगी। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको ये बताऊँगी, थोड़ा सा बचा हुआ है तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी आईब्रोज के ऊपर भी हल्का हल्का लगा लेती हूँ तो इससे अच्छी ग्रोथ हो जाती है आईब्रो की भी और लैशेस पे भी, और ये सुन्नत भी है इस तरह लगाना ऑयल, और अच्छी तरह से मैं इस पे भी लगा लेती हूँ और सो जाती हूँ तो बहुत अच्छी इसकी भी अच्छी लैशेस की ग्रोथ हो जाती है और आईब्रो की भी अच्छी ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। अब मैं जाऊँगी सोऊँगी, अब मैं मिलती हूँ आपको सुबह में और सुबह मैं अपना रिजल्ट दिखाती हूँ, मैं अच्छे से वॉश करके बाल आपको दिखाती हूँ। बाय बाय। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल विच इज़ सकीना आज़म व्लॉग।